फ्रेंड्स, हम HPG के करंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिक बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स HAS प्रीलिम्स और NT प्रीलिम्स 2022 के लिए अक्टूबर मंथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वदेश दर्शन स्कीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम, और इसका डायमेंशन आ जाएगा टूरिज्म। अब वो पूछ रहे हैं इट इज़ अ सेंट्री स्पॉन्सर स्कीम। तो यहाँ पर कीवर्ड हमारे ध्यान देने का बात है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है या ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। फॉर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ये ईयर 2017 में हुआ है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें यदि पता हो तभी हम इसका रिप्लाई कर पाएंगे। अंडर द स्कीम कन्वेंशन सेंटर वॉज बिल्ड एट कैरीघाट डिस्ट्रिक्ट सोलन। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, जब हम स्कीम्स की बात करते हैं हम सब जानते हैं कि हमारे पास सेंटर की जो है एक तो सेंटर सेक्टर स्कीम होती है और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं उसमें यूनियन और स्टेट का फंडिंग पैटर्न में शेयर रहता है, 60-40 शेयर, 90-10 का शेयर, 50-50% का शेयर, राइट। लेकिन जो सेंटर की सेक्टर स्कीम होती है उस पर 100% जो शेयर है वो सेंटर का रहता है। नॉर्मली जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्कीम सेंटर सेक्टर स्कीम्स की होती हैं, और जो स्टेट लिस्ट या कॉन्फ्रेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जनरली सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं। इस समय कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट के अकॉर्डिंग जो टूरिज्म है वो भी किसी सेक्टर का पार्ट नहीं है, राइट, नंबर वन। नंबर टू, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ऑलरेडी ये प्रपोजल गया हुआ है कि इसको कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड करना चाहिए ताकि ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए यूनियन और स्टेट की, राइट। एनी हाउ, ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है ये आपकी सेंटर सेक्टर स्कीम है, ये स्पॉन्सर स्कीम नहीं है, क्योंकि इस स्कीम के तहत जो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स जो डिज़ाइन किए जा रहे हैं उसमें 100% से जो फंडिंग है वो यूनियन गवर्नमेंट की है। सेकंड पार्ट कह रहा है इसका इम्प्लीमेंटेशन हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, ये करेक्ट है, और इसका कन्वेंशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट सोलन में बन रहा है, ये भी करेक्ट है। देखते हैं आंसर, करेक्ट आंसर इज सी बाय, बिकॉज टू और थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट, दिस ये आपका जो है स्टेटमेंट, और लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग, व्हाई, बिकॉज इट इज़ अ सेंटर सेक्टर स्कीम। और कन्वेंशन सेंटर के अलावा हमें ये याद रखना है कि हेलीपोर्ट बन रहा है शिमला में, डल लेक की ब्यूटिफिकेशन हो रही है धर्मशाला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और इवन कांगड़ा में इस स्कीम के तहत विलेज हॉट का भी प्रपोजल है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। With regards to electric vehicle policy 2022, percentage of new vehicle registration and target, हिमाचल स्टेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लॉन्च किया है, उसमें कितने परसेंट जो है हम यहाँ पर बात करेंगे कि कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं हमारे रजिस्टर होने चाहिए और कब तक होने चाहिए, टारगेट क्या है इस बार से। ये पॉलिसी के फीचर्स में आता है, ये पॉलिसी का जो पर्पस है एज टर्म हमें बता रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस पॉलिसी का पर्पस है कि जो हिमाचल स्टेट है वो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है एक तरह से हब क्रिएट हुए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का हब क्रिएट हुए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें रिवाइज कर लेना चाहिए कि हिमाचल स्टेट में ऑलरेडी हमारे पास जो है 75 इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट बसेस जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, और हमारे पास 50 इलेक्ट्रिक टैक्सीज ऑपरेशनल हैं स्पेशली स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, अभी शिमला सिटी में कवर किया गया है, रिसेंटली भी लॉन्च की गई हैं और धर्मशाला के लिए भी। अब इस पॉलिसी के फीचर्स हमें क्या कहते हैं कि जो कवरेज होगी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दैट विल बी 15%। ये हमें जो पॉलिसी पता होगी फीचर्स तभी हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं करेक्ट आंसर इज बी, 15% यहाँ पर चाहिए। लेकिन यहाँ मेंस के लिए या प्रिलिम्स में इवन पॉलिसी का दूसरा क्वेश्चन आ जाए, फीचर्स आ जाए, तो हमारे यहाँ पर कीवर्ड्स क्या होंगे कि इसमें हम हिमाचल स्टेट को मॉडल स्टेट बना रहे हैं तो ताकि वो हमें सस्टेनेबल, सेफ, इको फ्रेंडली, इंक्लूसिव एंड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पॉलिसी का जो मोड है वो यहाँ पर जो है हम इसको प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की हेल्प से जो है किए जा रहे हैं, और सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसमें कवर होंगे वेदर इट इज़ प्राइवेट शेयर्ड और कमर्शियल। सो दैट इज़ हाउ दिस पार्ट पॉलिसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस पॉलिसी में दिस हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया 15%, और ईयर हमारा है 2025, और ये हमारे सस्टेनेबल गोल्स के साथ भी इसकी सिनर्जी है।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसको हम कहते हैं कि उड़े देश का आम नागरिक, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है। अब इसका वर्जन 2 पार्ट 2 भी अनाउंस हो चुका हुआ है। अब इस स्कीम को हिमाचल स्टेट के कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट कह रही है कि देर आर 15 हेलीपोर्ट्स आर बींग डेवलप्ड इन हिमाचल स्टेट, राइट। सो अब यहाँ देखना होगा कि हेलीपोर्ट्स 15 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, ये हमें पता होना चाहिए स्कीम के अंडर। और एट प्रेजेंट हिमालयन हेली सर्विसेज, अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ सकती है। जनरली जब हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं हेली टैक्सीज की बात करते हैं तो हमारे रेफरेंस में पवन हंस का नाम आता है, ना कि हिमालयन हेली सर्विसेज का, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि यहाँ पवन हंस रिप्लेस होना चाहिए और यहाँ पर 15 हेलीपोर्ट्स के अलावा हमारे पास ये स्टेटमेंट, क्योंकि उड़ान आपकी स्कीम में यहाँ पर गवर्नमेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट हिमाचल स्टेट को सपोर्ट कर रही है 6 हेलीपोर्ट्स डेवलप करने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक ही वैल्यू एडिशन पार्ट कर लें कि इस समय हिमाचल स्टेट में करंटली 64 जो है हमारे पास जो है हेलीपैड्स जो है वो ऑपरेशनल हैं, प्लस 38 हेलीपैड्स जो है ऑलरेडी दे आर इन द प्रोसेस ऑफ बींग कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्शन चल रही है। लेकिन इस स्कीम में खास जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वो हम 6 हेलीपैड्स की बात कर रहे हैं, राइट। 6 हेलीपोर्ट इस स्कीम में डेवलप हो रहे हैं। इवन जो आपका संजौली ढली बाईपास का हेलीपैड है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, वो है नंबर 1। रिसेंटली अभी न्यूज़ थी कि बत्ती का हेलीपोर्ट तैयार हो चुका है, तो जैसे ही यू नो सीएम जो है ऑनरेबल सीएम अवेलेबल होंगे तो उनकी इनॉग्रेशन करेंगे। सो बत्ती में आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट, शिमला, राइट, इवन नागपा झाकटी शिमला डिस्ट्रिक्ट का, और आपका मनाली में दैट इज़ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, राइट, और आपका कांगनीधार मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो ये नेम्स यहाँ पर मेंशन है, ये हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से एरियाज़ हैं, राइट, और पवन हंस का डिस्क्रिप्शन, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी। पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल स्टेट की, और टूरिज्म में इट इज़ नॉट जस्ट इको टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म। दीज डेज आफ्टर COVID-19 पैनेमिक जो हम रिसेंटली कंसेप्ट देख रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एज इफ हम रिवेंज टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो जिसकी जिसको हमें रिप्लेस करके क्या कंसेप्ट लेकर आना है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म लेकर आना है। तो देखते हैं हिमाचल स्टेट की जो पॉलिसी है सस्टेनेबल टूरिज्म, ये किस पर फोकस करती है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर फोकस करती है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ कन्वर्ज हो रही है, तो हमें जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशंस को देखिए आप, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 आपको क्या कहता है, विच इज़ लाइक डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट मीन्स सस्टेनेबल टूरिज्म में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रेंथन होना चाहिए कि आपकी वर्कफोर्स को सस्टेनेबल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। गोल नंबर 12 क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज डेज बहुत सारी न्यूज़ हैं, स्पेशली आफ्टर ओपनिंग ऑफ अटल टनल, कि लाहौल वैली पीपल आर जस्ट यू नो दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम इन कलेक्शन ऑफ दिस ऑल दैट ट्रैश यू नो गिवन बाय द टूरिस्ट सेक्टर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जो हम फुटप्रिंट छोड़ कर जाएँ, वो कार्बन फुटप्रिंट ऐसे ना हो कि जिससे पूरा इकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो। तो जो सस्टेनेबल टूरिज्म का जो फोकस है वो इको टूरिज्म के साथ साथ टूरिज्म की रिस्पॉन्स स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंश्योर करना है, राइट, ओके। लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, विद रेफरेंस टू स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी। अब देखिए कितनी पॉलिसीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आपको रिवाइज करनी इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, और अब हम बात करें एनर्जी सेक्टर की, राइट। और इस एनर्जी पॉलिसी का टारगेट क्या है, कीवर्ड्स क्या है आपके लिए, ग्रीन क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, राइट। तो सो दैट स्टेट में जितना भी एनर्जी पोटेंशियल है थ्रू हाइड्रो पावर, थ्रू सोलर एनर्जी, हम उसको यूटिलाइज कर सके। नाउ दिस पॉलिसी हैज़ अ प्रोविजन कि इसका टारगेट क्या है, कि वी विल ऐड एडिशनल 20,000 मेगावाट्स ऑफ ग्रीन एनर्जी। और सेक्टर्स हमारे क्या होंगे, हाइड्रो, सोलर, यू नो अदर ग्रीन एनर्जी, विंड एनर्जी सोर्सेज। अब यहाँ पर ये पार्ट जो है मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि पॉलिसी के फीचर से भी हमें पता हो तो ये 20,000 नहीं है, ये टारगेट हमारा जो है एक्चुअल में 10,000 है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी हमें क्या कह रही है, क्लीन ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एनर्जी पोटेंशियल हम यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट, बट हमें 10,000 मेगावाट्स ऑफ ग्रीन एनर्जी ऐड करनी है, दैट टू बाय 2030। अगेन हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ कन्वर्ज कर रहे हैं। अनदर थर्ड फीचर ऑफ दिस पॉलिसी इज़ कि इसमें जो है हमारी जो स्ट्रैटेजी है
वो फोर प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी है, जिसका मतलब यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर यूनियन का, स्टेट का, जॉइंट एफर्ट्स का, प्राइवेट सेक्टर का, हम हर एक लेवल पर सबके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं सो दैट हम अपने स्टेट इस टारगेट गोल को जो है वो अचीव कर सकें। सो आई होप आप इनको रिवाइज करेंगे, इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, टाइम एंड अगेन इनकी प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ इंश्योर कि इन करंट के बेसिस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस की कोई मिस्टेक ना हो। विश यू ऑल द बेस्ट।